हेलो फ्रेंड्स, मैं बोल रहा था आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आपको इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने यूज़ कर तो रियल मी मोबाइल, मतलब किसी भी रियल मी मोबाइल हो सकता है, जैसे रियल मी 1, रियल मी 2, 3, 3 Pro या फिर C1, C2, जो भी है, सभी मोबाइल में जो प्रोसेसर काम करेगा। देखिए क्या होता है, आप जब किसी को फ़ोन कर रहे हो, मतलब कॉल कर रहे हो, तो टच करना होता है मोबाइल को, कॉल को रिसीव करने के लिए तो भी टच करना होता है, मोबाइल को चलाने के लिए तो भी टच करने की ज़रूरत होता है। लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना टच किए, मतलब ना टच करते हुए भी आप अपना रियलमी मोबाइल को चला सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, फ़ोन को रिसीव कर सकते हो। कैसे होगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। और अगर आपने इस चैनल पर नया आ चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपके लिए हर रोज इसी चैनल पर डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे आप बिना टच किए आप अपना रियलमी, किसी भी रियलमी मोबाइल से कॉल कर सकते हो, कॉल को रिसीव कर सकते हो, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो फीचर्स है यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसलिए जो वीडियो है आप पूरा देखिए। आप देखिए, फास्ट आपको क्या करना होगा, फास्ट अपना जो मोबाइल है, मोबाइल की जो डायल पैड है, खोलना नहीं है, इसे प्रेस कर रखिए थोड़ा सा। तो आप देखिए, ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन मिल जाएगा एफ इन्फो, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप दोस्तों क्लिक कर देने के बाद ये जो फास्ट वाला जो ऑप्शन है मैनेज नोटिफिकेशन, यहाँ पर करिए क्लिक। तो क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, फास्ट जो है डिस्प्ले ऑन लॉक स्क्रीन, ये अगर ऑफ है तो इसे ऑन कर दीजिए। सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर जो है थर्ड वाला जो ऑप्शन है डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, इसे भी ऑन करिए। और देखिए, हाइड नोटिफिकेशन कॉन्टेंट व्हेन लॉक्ड, इसे भी ऑन करिए। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, इसे भी ऑन करिए। तो ऑन कर देने के बाद यहाँ से वापस आ जाइए। आप देखिए दोस्तों क्या करना होगा, आप अपना मोबाइल का जो है सेटिंग्स वो खोलिए। आप सेटिंग्स खोलने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए और देखिए स्मार्ट एंड कॉन्वीनियंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। आप क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए जो जेस्चर एंड मोशन, यहाँ पर क्लिक करिए। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप देखिए दोस्तों, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है स्मार्ट कॉल का, यहाँ पर करिए क्लिक। फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, आप कैसे क्या कुछ यूज़ करना होगा, कैसे करना होगा, सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑटो कॉल व्हेन नियर द ईयर, इसे ऑन करिए। तो इससे क्या होगा, अवेलेबल इन द इंटरफेसेस फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉल डिटेल्स एंड मैसेज कॉन्वर्सेशंस। इसका मतलब क्या है, आप अपना जो है दोस्तों क्या होगा, इससे मोबाइल को जब अपना कान के पास, अपना ईयर के पास जब ले जाओगे, वो कॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब कॉल हो जाएगा, आपका जो मोबाइल है टच करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। कैसे, मैं आपको करके यहाँ से देखा देता हूँ। देखिए यहाँ से वापस आ जाइए, और वापस आ जाने के बाद ये मेरा है जो डायल पैड खोल लेता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट्स खोल लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो ऐड ADD, तो अगर इसे मैं कॉल करके मैं आपको देखा देता हूँ, अगर कॉल करना चाहते हो तो कैसे करना होगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, आप किसी भी कोई प्रकार का जो टच है मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, टच नहीं करूँगा, मैं इसे मेरा कान के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली कॉल कनेक्ट हो चुका है, तो मतलब कान के पास में, मतलब आपका ईयर के साइड में ले जाने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, और जो फीचर्स है, कैसे कुछ यूज़ करना होगा, सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा देखिए। तो सेटिंग्स खोलिए, यहाँ से सेटिंग्स खोलने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए, वही सेटिंग्स है स्मार्ट एंड कॉन्वीनियंट, फिर खोल लेने के बाद यहाँ से जेस्चर एंड मोशन, फिर यहाँ से दोस्तों स्मार्ट कॉल खोलिए, और सेकंड इसे ऑफ कर देता हूँ। आप फास्ट वाला जो है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ऑटो आंसर व्हेन नियर द ईयर, इसे ऑन करिए। इससे क्या होगा, जब आपके मोबाइल में कॉल आ रहा है, कॉल आप रिसीव कर सकते हो बिना टच किए, तो वैसे ही सेम प्रोसेस, अपना जो मोबाइल है कान के पास ले जाओ, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा, ईयर के पास ले जाने के बाद ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, ये ऑप्शन ऑन कर देने के बाद, ठीक है। तो इसे आपको देता हूँ। थर्ड वाला जो ऑप्शन है मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, तो इसे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली स्विच फ्रॉम स्पीकर टू रिसीवर व्हेन यू होल्ड द फोन नियर योर ईयर, मतलब अगर आपके मोबाइल, इसे ऑन कर देता हूँ, अगर आपके मोबाइल में कॉल आया है, आप स्पीकर में देके बात कर रहे हो, मतलब हाथ में लेके बात कर रहे हो, जैसे 3-4 लोगों ने एक साथ बात कर रहे हो, तो अगर आपके जो मोबाइल है कान के साइड में ले जाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीकर ऑटोमेटिकली जो रिसीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब और कोई आसपास के जो लोग है कोई सुन नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, क्या है, फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसे ऑन कर रखिए।
तो इससे क्या होगा, आपके मोबाइल में जब कॉल आ रहा है, मतलब रिंग हो रहा है आपका मोबाइल, तो आपका जो मोबाइल है अगर थोड़ा सा फ्लिप कर देते हो तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो इनकमिंग कॉल में जो रिंग हो रहा है वो म्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप ये जो इंटरेस्टिंग फीचर है आप यूज़ कर सकते हो आप अपना किसी भी रियलमी मोबाइल में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।